तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो आसाम प्रीमियर T20 चैंपियनशिप टूर्नामेंट है, इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 14वां मैच जो कि खेला जाएगा क्लब त्रिरंगा वर्सेज निर्वाणा SA यानी कि भाई CLT वर्सेज NSA के बीच में। तो इन दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को स्टार्टिंग से के एंड तक आप कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि भाई देखो अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे ना तो इजीली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। क्यों क्यों क्योंकि देखो भाई यहाँ पर आपका भाई आपके लिए इस मैच की एक एक इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेके आए। सबसे पहले भाई टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो भाई मॉर्निंग में 9 बजे मैच खेला जाएगा। अभी भाई 6 बजने वाले हैं, 6 बजे नहीं है, 5:52 हो रखे हैं, ठीक है। तो 6 मतलब मॉर्निंग में 9 बजे मैच खेला जाएगा। और भाई गला आपको दिख रहा होगा कितना मतलब बैठा हुआ है या ख़राब हो रखा है, तो फिर भी भाई मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं वेन्यू की। तो अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी में भाई ये मैच होने वाले हैं। अगर बात करें भाई वेन्यू की रिकॉर्ड्स की, तो आप देख सकते हो जो इस सीज़न के रिकॉर्ड से ये भाई टोटल 34 मैचेस के रिकॉर्ड है, 34 मैचेस के 21 मैच भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए और भाई 12 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विन किए, जबकि एक मैच भाई यहाँ पर नो रिजल्ट में भी एंड हुआ है। अब यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 160 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई न्यूट्रल विकेट है यहाँ पर, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प यहाँ पर होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो वेदर की बात करें तो कोई भी यहाँ पर बारिश वारिश के चांस नहीं है, एकदम क्लियर है, तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा भाई। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम चैनल भाई अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो फुल एंड फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बाई चांस भाई लिंक वर्क ना करें तो आप सर्च भी कर सकते हो @KPM Fantasy Expert, या आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर क्लब मतलब यहाँ से CLT की अगर बात करें तो CLT की देखो एक मिनट भाई यहाँ पर जो क्लब त्रिरंगा की टीम है अगर इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर भाई ओपनिंग करने आएंगे यहाँ पर विशाल शाह के साथ देनिस दास, आप देख सकते हो 33 मैच में 61 रन और भाई 62 विकेट है। वही अगर बात करें यहाँ पर देनिस दास तो 57 मैचेज में भाई ऑलमोस्ट 1500 रन है और भाई 43 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। अब अगर बात करें हबीबुल्ला की, तो हबीबुल्ला ने यहाँ पर आप देख सकते हो 12 मैच में 187 रन बना रखे हैं और 2 विकेट भी निकाल रखे हैं। तो यहाँ पर भाई हबीबुल्ला को आप देख सकते हो 12 मैच में 187 रन है और 2 विकेट भी निकाल रखे हैं। इसके अलावा हरिषिकेश दास की बात करें तो 14 मैच में ऑलमोस्ट 500 रन है, विकेटलेस है, लेकिन भाई रन इतने बेहतरीन बना रहा है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप इसकी मान सकते हो, और GL मिनी GL के साथ साथ स्मॉल लीग में भी आप इसे कुछ जगह CVC ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें मानस गोगोई की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 64 मैचेज में भाई यहाँ पर 1400 से ज़्यादा रन बना चुका है, साथ 14 विकेट भी है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आपके टीम में, जरूर से ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें ऐसे प्रीति सरे की, तो आप देख सकते हो 49 मैचेस में 89 विकेट निकाल चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मतलब लगभग लगभग हर मैच में 2 विकेट निकाल रहा है, काफी गजब का प्लेयर है, आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। वहीं अगर बात करें भाई प्रीतम देवनाथ की, तो 49 मैचेज में यहाँ पर आप देख सकते हो 1500 से ज्यादा रन बना चुका है, तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेगा और GL मिनी GL में CVC का इंपॉर्टेंट दावेदार रहेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो नीलोत्पाल दास है, 44 मैच में 36 विकेट निकाल चुका है, 309 रन भी है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ से निपुजित कालिता की, तो आप देख सकते हो 36 मैच में भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे रन बना रखे हैं इन्होंने, 539 और 26 विकेट भी है, तो दोनों तरीके से भाई आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। पराग बर्मन की बात करें तो 38 मैच में भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, पराग बर्मन ने 38 मैच में
यहाँ पर 62 विकेट निकाल रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर होने वाला है और आपकी टीम में भी है, तो मतलब ज़रूर से ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। गौरव तालुकदार की बात करें तो भाई 43 मैचेज में 609 रन है, तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। जीएल मिनी जीएल में कैप्टन ट्राई करना, स्मॉल लीग में ऐसे प्लेयर लेके जा सकते हो। अरूप दास की बात करें तो भाई 1 मैच में 6 रन है, कृष्णा दास के भी 1 मैच में 6 रन और 1 विकेट है। इसके अलावा जो पल्लव कुमार दास है, इन्होंने जो पहला मैच खेला था उसमें भाई 106 रन बनाए थे। इसके अलावा भाई जो संदीप पोल आप देख सकते हो 1 मैच खेला विकेटलेस। इसके अलावा जो राजन विकास दास है 1 मैच में 14 रन बना रखे हैं। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं जो यानी जो NSA की टीम रहने वाली है, NSA की टीम की भी यहाँ से बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो निर्वाणा SC की टीम की प्लेइंग 11 प्लस जो प्रोबेबल प्लेयर्स के स्टेट्स है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें दिवस हजारिका की, तो आप देख सकते हो 41 मैचेज में भाई 971 रन है, प्लस भाई 6 विकेट भी निकाल रखे हैं, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, ज़रूर से ज़रूर आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। दीपांकर बोरा की बात करें तो आप देख सकते हो 22 मैच में ऑलमोस्ट 600 रन है और 3 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर भाई जो कलोल बुयान है आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 22 मैच में 195 रन प्लस 2 विकेट। वहीं अगर बात करें भाई रोहित रोवनियार, तो आप देख सकते हो 35 मैच में 56 विकेट है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर आपके लिए यहाँ से होने वाला है और मेरे हिसाब से ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो। राहुल रजाक की बात करें तो 2 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आमिर नूर अली की, तो 22 मैच में 21 विकेट निकाल चुका है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में से एक प्लेयर रहने वाला है, ठीक है। जो असर जो गंथल है इनकी अगर बात करें तो 7 मैच में 159 रन है प्लस 1 विकेट है, तो इन्हें भी भाई आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। योगेश्वर भूमिज की बात करें तो भाई 36 मैच में 50 विकेट और ऑलमोस्ट 400 रन है, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ से होने वाला है और आपकी टीम का कैप्टन या VC आप ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई कर लीजिएगा। आप अगर यहाँ से बात करें सिद्धार्थ बरुआ की, तो भाई 37 मैच में 51 विकेट है और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 984 रन भी बना रखे हैं, तो ये भी भाई आपके लिए CVC का सबसे बेहतरीन दावेदार रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भाई बात करें शुभम कुमार खोंड की, तो 9 मैच में 201 रन है, बेहतरीन प्लेयर है, विकेट कीपिंग भी करेगा तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। अविनाश रोवनर की बात करें तो 9 मैच में 118 रन है, ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रह सकता है और ये भी भाई टॉप ऑर्डर में आपको खेलता दिख सकता है। अब यहाँ से देखो डेमो टीम में आपको बना के दिखा देता हूँ, स्टैट्स एकदम सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप वो मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी फाइनल टीम तो आपको बता आपका भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मैं मिलता हूँ। अब यहाँ से देखो सिर्फ 3 घंटे बचे मैच स्टार्ट होने में, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर देखो जो संदीप पोल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है। संदीप पोल को आप अपनी टीम में ट्राई करो। इसके अलावा जो यहाँ से है भाई पल्लव कुमार दास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ से आप देखो पहले मैच में भाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो 158 पॉइंट इन्होंने लिए थे, 106 रन की इनिंग खेली थी, दूसरे मैच में 50 लगाई थी और तीसरे और चौथे मैच में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रखी है, तो आपकी टीम में ज़रूर रहेगा। इसके अलावा भाई एम गगोई आपकी टीम में रहेगा। वहीं अगर बात करें थोड़ा नीचे चल के, तो DHAZARIKA को आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो प्रीतम देवनाथ अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ भाई अभी तो हम ट्राई इसको करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है। अब चलिए भाई बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से S बरुआ जे भूमि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ से अगर बात करें तो आमिर नूर अली को भी आप ट्राई कर सकते हो, लास्ट के 2 मैच में काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ से बात करें नीलोत्पाल दास की, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, हालांकि 1 मैच खेल रहा है 1 मैच नहीं खेल रहा पता नहीं क्यों, तो अगर खेलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो भाई पी माझी बेहतरीन गेंदबाज है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें तो पराग बर्मन एक बेहतरीन प्लेयर है और यहाँ से A दास को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ से भाई आपके लिए जो प्रीति सरे ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। पहले मैच में परफॉर्मेंस आप इसकी देख ही सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 27
22% सेलेक्शन था और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 विकेट निकाल के लेके गया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। इसके अलावा भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो बी कुर्मी को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक मैच में परफॉर्मेंस आई, लेकिन इसमें भाई इतनी खतरनाक आई, आप मतलब खुद देख सकते हो कि भाई कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। तो टीम की बात करें तो टीम मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सीबीसी की बात कर लेते हो तो कैप्टन एस बरुआ रहेगा। वीसी की अगर बात करें तो पल्लव कुमार दास हमारे लिए वीसी रहेंगे, या फिर आप जे भूमिज को भी वीसी ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ से भाई मैं पल्लव कुमार दास के साथ ही जाऊँगा, या फिर एम गोगोई को मैं लेके जा सकता हूँ एज ए वीसी, तो ये काम आप कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो भाई आपके लिए अरूप दास भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मैच को अगर निकाल दें तो उसके बाद बीच के 2 मैच और तीसरा मैच, तीनों मैच में भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। तो आपकी टीम में जरूर से जरूर जगह बनाएगा। तो सीबीसी आपको यहाँ से मेरे दिख ही गए होंगे, तो सीबीसी एक बार मैं मार्क करके और टीम सेव कर देता हूँ। यहाँ से भाई आप टीम देख सकते हो। देखो फाइनल टीम भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर अभी आप खड़े हो यहीं पे भाई टेलीग्राम चैनल है। और भाई देखो गला बिल्कुल बैठा हुआ है, तो देखता हूँ दिन में और मैच कवर होते हैं या नहीं होते, लेकिन जितने मैचेज कवर होंगे ना वो सारे जैकपॉट मैचेज कवर होंगे, क्योंकि आज मैच काफ़ी ज़्यादा है और मैं करूँगा भाई सेलेक्टेड मैचेज कवर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई किसकी, जो जीएल के फाइनल सीबीसी हैं उनकी। तो जीएल में भाई आप हजारिका को ट्राई कर सकते हो, और पी माझी को ट्राई कर सकते हो, ये दास को ट्राई कर सकते हो, जय भूमिज को ट्राई कर सकते हो। तो ये 4 प्लेयर ऐसे जिनमें भाई आप जीएल मिनी जीएल में, आप जीएल मिनी जीएल में इन 4 प्लेयर्स में से किन्हीं भी 2 को सीवीसी लेके जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप भाई इतनी टीम बनाओ कि इन 4ों को आप रोटेट कर करके सीवीसी बना लो, ठीक है। तो ये काम अगर आप कर लेते हो तो भाई इजिली आप और भी ज़्यादा अच्छी विनिंग ऐसे करके जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं, सॉरी भाई यहाँ पर देखिए भाई अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, 9 बजे मैच खेला जाएगा, 9 बजे से पहले 8:30 बजे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है, अगर मतलब आवाज़ अगर सही से बिल्कुल समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मैं सिर्फ मैच का आपके लिए कवर कर दूंगा विद टीम, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।